हम प्लास्टिक को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ देखते हैं, घर में, मार्केट में, ऑफिस में, काफ़ी काम की चीज़ है ये प्लास्टिक। लेकिन इसी प्लास्टिक को हम ऐसी ऐसी जगहों पर देखते हैं जहाँ पर इनका कोई काम नहीं होता। लेकिन बुरा तो तब लगता है जब ये प्लास्टिक दुनिया की सबसे सुंदर जगहों पर भी देखने को मिलता है। आपको पता है हर साल तकरीबन 80 लाख टन प्लास्टिक हमारे समुंदर में जाता है। 80 लाख टन हमारे समुंदर प्लास्टिक की बोतलों, स्ट्रॉ और प्लास्टिक बैग से भरते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो रिसर्च के मुताबिक 2050 तक हमारे समुंदर में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। इतना ही नहीं, हर साल करीब लाखों जानवर और परिंदे प्लास्टिक को खाने और उसमें फंसने से मर रहे हैं। जानवर और पक्षी प्लास्टिक को खाना समझकर खा जाते हैं। ये प्लास्टिक उनके पेट में होने की वजह से उन्हें अपना पेट भरा लगता है और खाना ना खाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लास्टिक हमारे समुंदर में कैसे पहुंचता है। समुंदर में ये प्लास्टिक अलग अलग तरीके से पहुंचता है। प्लास्टिक हवा में उड़ने से और नलियों से सीधा समुंदर में पहुंच जाता है। ये प्लास्टिक आपके प्लेट तक भी पहुंच रहा है। पानी में इस प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिसे माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। छोटी मछलियाँ इसे खाना समझकर खा लेती हैं। इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती है और इसी चेन में चलते चलते ये प्लास्टिक हमारी प्लेट तक पहुँच रहा है। साथ ही साथ ये प्लास्टिक हमारे नल के पानी तक पहुँच रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 80% पानी में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। मतलब हम जिन चीज़ों को बस 5 मिनट के लिए यूज़ करते हैं और जिस प्लास्टिक को यूज़ करते वक्त हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं, वही प्लास्टिक हमें इतना नुकसान पहुंचा रही है। अगर हम इस प्लास्टिक का यूज़ कम कर दें और धीरे धीरे बंद कर दें इस प्लास्टिक का यूज़ करना, तो हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को इस नुकसान से बचा सकते हैं। तो आज से, बल्कि अभी से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कर देंगे। ये प्रॉमिस किसी और से नहीं बल्कि खुद से कीजिए, क्योंकि इससे नुकसान आपको भी हो रहा है और आपके आसपास के लोगों को भी हो रहा है और हमारे कुदरती माहौल को भी हो रहा है, नेचर को भी हो रहा है। तो आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि अब आप प्लास्टिक का यूज़ बंद कर देंगे, आप नहीं करेंगे। जो हम बस 5 मिनट के लिए यूज़ करते हैं मार्केट से सब्ज़ी लाने के लिए, तो वो हम कपड़े की थैलियों में भी ला सकते हैं। हर चीज़ के लिए दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर दें और बंद कर दें तो बेहतर होगा। तो आप खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आज से, बल्कि अभी से, आप प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कर देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।